दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी इलाके में जाएं, वहां पर आपको कुछ बेहद खतरनाक सड़कें आपको देखने को मिलती है और इन सड़कों को दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है। लेकिन इन सड़कों पर लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन सड़कों पर ड्राइविंग करना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इस रोड पर ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति हमेशा मौत से जूझता रहता है और उस व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलता है कि उसके साथ कब हादसा होगा, उनको जरा भी पता नहीं लगता है। तो दोस्तों, दिल थाम कर देखिए, आज मैं आपको दुनिया की 5 ऐसे खतरनाक सड़कों के बारे में बताने वाला हूँ और इन सड़क पर कदम कदम पर खतरा मौजूद है और जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे सड़कों के बारे में आप कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन सड़कों के बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलने वाली है। नंबर 5 पर है हाईवे थ्रू बिल्डिंग। दोस्तों, यह दुनिया का मात्र एक ऐसा हाईवे है जो बिल्डिंग के बीच से होकर गुजरता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बिल्डिंग के ऊपर नीचे लोग रहते हैं। दरअसल जापान की सरकार को यहाँ पर हाईवे बनाना था, लेकिन इस बिल्डिंग के मालिक ने सरकार को जमीन देने से मना कर दिया, इसलिए इस हाईवे को बिल्डिंग के बीच से बनाना पड़ा। और यह हाईवे बिल्डिंग के 5वें और 7वें मंजिल से होकर गुजरती है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ की सरकार बिल्डिंग के मालिक को किराया भी देती है। नंबर 4 पर राइटिंग रिवर ब्रिज। दोस्तों, साइबेरिया में बना यह ब्रिज दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजों में से एक माना जाता है और जमीन से लगभग 20 मीटर ऊंचा बना यह ब्रिज। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ की सरकार इसे रेल की पटरी बनाने वाली थी, लेकिन किसी वजह के कारण इसे नहीं बनाया जा सका। लेकिन इस ब्रिज पर चलने में लोगों के हाथ पाँव कांपने लगते हैं, क्योंकि यह ब्रिज बहुत ही पुराना हो चुका है और इस ब्रिज को बनाने में जो लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है वह बहुत ही पुरानी हो चुकी है। और इस ब्रिज पर चलने में ऐसा लगता है कि ब्रिज आगे से टूट जाएगी। और इस ब्रिज पर कमजोर दिल वाले ना जाएं तो उनके लिए बेहतर है। और यह ब्रिज काफी पतला होने के कारण इस ब्रिज पर संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ी सी चूक हुई तो आप सीधे पानी में गिर सकते हैं। नंबर 3 पर है चिल्ड क्रॉसिंग। दोस्तों, आप जिस रोड को देख रहे हैं यह दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में बना यह ब्रिज चिल्ड क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है, क्योंकि इस नदी में कई मगरमच्छ रहते हैं और यह मगरमच्छ हमेशा उस रोड पर रहते हैं। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस नदी में 120 से 125 मगरमच्छ रहते हैं और यह मगरमच्छ पानी में बहते बहते रोड के किनारे आ जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और इसलिए इस रोड पर गाड़ी चलाने के लिए अच्छे ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब पानी का बहाव ज्यादा होता है तो यह गाड़ी को भी अपने साथ बहा लेती है। दोस्तों, इस सड़क के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2 पर है पैसे डी गोइस। दोस्तों, फ्रांस में बना यह रोड 4.3 किलोमीटर है और इस रोड को प्राकृतिक का अद्भुत नमूना कहा जाता है। और जब आप इस रोड पर चलना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यह नॉर्मल रोड जैसी है, क्योंकि यह रोड देखने में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल दिखती है। लेकिन जैसे आप थोड़ी दूर जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ गड़बड़ हो रहा है। इस रोड का सबसे बड़ा वजह है इसका पानी, और यह रोड पानी में दिन में 2 बार ढक जाता है, यानी कुछ समय के लिए सड़क गायब हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस रोड पर आप कुछ ही घंटे के लिए ड्राइविंग कर सकते हैं, क्योंकि बहाव के वक्त इस रोड को सील कर दिया जाता है। दोस्तों, यह सड़क देखने में जितनी ही सुंदर है उतनी ही खतरनाक है। दोस्तों, इस सड़क के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1 पर है टीएमएन माउंटेन रोड। दोस्तों, जिस रोड की आप वीडियो देख रहे हैं और यह रोड जमीन से होकर पहाड़ियों से घूमते घूमते ऊपर की ओर जाती है। और दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह रोड सिर्फ 11 किलोमीटर ही है, लेकिन इसका अंत 1100 मीटर की ऊंचाई पर खत्म होता है। और जब आप इस रोड पर ड्राइविंग करने जाएंगे तो आपको 99 मोड़ मिलेंगे और इस रोड पर वह खतरा मौजूद है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस रोड पर ड्राइविंग करने का मतलब अपनी जान को हथेली में लेकर चलने के बराबर है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सड़क के किनारे बैरियर तो लगे हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा स्पीड से ड्राइविंग करेंगे तो आपको खाई में गिरने से कोई बचा भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ड्राइविंग करने का मौका मिलेगा तो आप किस रोड पर जाना पसंद करेंगे, प्लीज यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।